खुश। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। गुड मॉर्निंग। पीहू सैमी से प्यार करती है, सैमी सुहानी से प्यार करती है, सुहानी भी सैमी से प्यार करती है और उसके बच्चे की मां बनने वाली है। लेकिन फिर भी पीहू की खातिर अपने प्यार का सैक्रिफाइस कर रही है। ये सब कुछ सबने देखा, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि तूने क्या सैक्रिफाइस किया। तेरी आंखों का दर्द किसी ने नहीं देखा ना खुश। मेरा दर्द? प्रिया एंजल, मुझे कोई दर्द नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। I'm smiling। अच्छा, तो फिर यही बात मेरी आंखों में देख के बोलना। देख ना मेरी तरफ और बोल कि तेरी आंखों में कोई दर्द नहीं। मैं जानती हूँ तू सुहानी से कितना प्यार करता है और उसके साथ शादी की बात से कितना खुश था, और अब सच्चाई जानने के बाद तू कितना हर्ट है ये भी तेरी आंखों में साफ दिखाई देता है खुश। माँ मानता है मुझे और माँ से झूठ बोलता है। इतनी अजीब सी बात है कि मेरी हर इम्पॉसिबल सी विश को तूने हमेशा पॉसिबल की। बट आई एम सॉरी खुश, मैं तेरी ये विश पूरी नहीं कर पाऊंगी। कोशिश की थी मैंने, लेकिन बहुत सारी जिंदगियां दांव पे लगी हुई। एंड आई एक्सपेक्ट यू टू अंडरस्टैंड at the cost of your own happiness. लेकिन काश मैं तेरे दर्द को कम करने के लिए कुछ कर पाती। कुछ प्रियांजल, वो प्यार ही क्या जिसमें दर्द ना हो। और हम प्यार में शर्तें तो नहीं रखते ना कि हम जिससे प्यार करेंगे वो भी हमसे प्यार करे, राइट? ये तो आप ही ने मुझे सिखाया था, है ना? प्रियंजल, I just want to see her happy, always. I'm sorry, Kush. So proud of you. काश पीहू भी तेरे जैसा सोच पाती। बट ये लड़की ना, ये अपने पागलपन में ना कुछ सोच नहीं पा रही है। प्रियंजल, अब बात करके देखिए, मान जाएगी वो। हाँ, I hope अब उसका गुस्सा शांत हो गया होगा। रात भर इसलिए बात नहीं की मैंने उससे। अब जा रही हूँ उससे बात करने। I just hope कि वो मेरी बात समझ पाए। खुश, अगर तेरी जैसे थोड़ी भी सोच आ जाए ना पीहू में, मेरे लिए बहुत। You take care, okay? Yeah. मैं चाहती हूँ उससे बात कर।
रिश्ता ऑफिस में कर लूंगा। अरे विक्रम, प्लीज खाने पे तो गुस्सा मत उतारो, प्लीज यार मेरे खातिर। सबको मेरे साथ में खाना खाने में तकलीफ है क्या? क्यों सरप्राइज्ड हो सैमी? इतना सब कुछ करने के बाद ना सरप्राइज्ड होना नहीं चाहिए तुम्हें। जाने दीजिए ना भाभी, ये लड़का बहुत सेल्फिश है। इसके लाइफ के तो कॉन्सेप्ट ही अलग है, प्यार किसी और से, एंगेजमेंट किसी और से, और उसके बाद भी इसको सामने वाली लड़की का कैरेक्टर खराब लगता है। तुम्हारी बहन बिल्कुल सही कह रही है, आज तक तुम्हारी हर गलती को ना मैंने नजरअंदाज किया है, बट नो मोर। तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा इतने अपसेट हैं। आप लोग बैठिए, नाश्ता कीजिए, मैं चले जाता हूं यहां से। विक्रम, सैमी कहां? देख, तुझे सैमी के बारे में कोई भी बात करनी है तो मुझसे मत कर। मुझे बात करनी है उससे, वेरी सी। वो अभी अभी अपने कमरे में गया है। हम तुझे बात करनी है तो तू जाके कर ले, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। देख, तू अपना पर्सनल गुस्सा उस पर निकालते रहना, लेकिन मुझे उससे अभी इसी वक्त बात करनी है, सो जस्ट कम। नाउ व्हाट? सैमी देख, आई डोंट वांट एनी मोर पजल्स। किसने किसको पहले आई लव यू कहा, किसने किसको डंप किया, वॉट एवर नॉन सेंस, आई डोंट गिव अ डैम। आई जस्ट वॉन्ट टू नो वन थिंग, और मैं सच्चाई जानना चाहता हूं तुझसे, ओके? क्या वो बच्चा तेरा है? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ झूठ है। जो मैं कह रहा हूं वो सच है, आपको यकीन करना तो ठीक है, नहीं तो आई डोंट केयर यार। मैं और सुहानी साथ में थे, कि जिस बात के लिए मुझे रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही है वो मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा बच्चा मेरा नहीं है। पीहू, मैं जानती हूँ तू बहुत हर्ट है, अपने पापा और मुझसे बहुत नाराज भी, क्योंकि हम दोनों ने तेरा दिल दुखाया। बट बेबी, ट्रस्ट मी, जो पापा कर रहे हैं ना उसी में तेरा अच्छा है। मेरा अच्छा नहीं है, मेरा अच्छा सिर्फ सैमी से शादी करने में, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। प्यार नहीं है पीहू, ये जिद है बच्चे, एंड मोर वो सैमी तुझसे प्यार नहीं करता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि वो किससे प्यार करता है, मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, और अगर वो सुहानी बीच में नहीं आई होती ना तो आज सैमी मेरा होता। सुहानी को हमारे बीच से हटा के रहूंगी। ओके, देख मुझे पता है तू बहुत गुस्से में, एक बार ठंडे दिमाग से सोच भी हो। तू सैमी से प्यार करती है, लेकिन सैमी सुहानी से प्यार करता है, और सैमी के प्यार पे तुझसे ज्यादा हक सुहानी का बनता है। पीयू, सुहानी सिर्फ तेरी खातिर अपने प्यार का सैक्रिफाइस कर रही है, विच इज रॉन्ग। मेरे लिए प्यार में कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है माँ, सब कुछ सही है। और ये सैक्रिफाइस एंड ऑल, ये सारे वर्ड्स मेरे को नहीं समझ में आते। ये सारे वर्ड्स सिर्फ उन लूजर्स के लिए बने जिन्हें अपना प्यार हासिल करना नहीं आता, और मैं उन लोगों में से बिल्कुल नहीं। और ठीक है, मान लिया मैंने कि आपकी सुहानी ने मेरे लिए कुछ अच्छा किया है, तो क्या करूं? हो गया ना, कर दिया, अब इस बात को डिस्कस करने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है पीहू, क्योंकि तेरा प्यार एक तरफा है, और
जितना प्यार सुहानी सैमी से करती है ना, उतना ही प्यार सैमी भी सुहानी से करता है। करता था माँ, करता था, अब नहीं करता। आपने सुना नहीं, नीचे उसने खुद सबके सामने कहा कि वो सुहानी से प्यार नहीं करता। हाँ सुना मैंने, हम सब ने वही सुना जो सैमी ने कहा, किसी ने वो नहीं सुना जो उसने नहीं कहा। उसे सुनने की कोशिश कर पीहू, क्योंकि उसे सुनना तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। I just don't understand, इतनी छोटी सी बात को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं आप लोग? मैं उससे प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, ये बात यहीं पे खत्म की नहीं जा सकती क्या? ये बात यहाँ पे खत्म नहीं हो सकती पीहू। Why don't you understand? तुम तीनों की जिंदगी के अलावा अब इसमें एक जिंदगी और है। सुहानी इज प्रेग्नेंट विद सैमीज चाइल्ड, डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? Yes, I do. पता है मुझे सब कुछ, और मुझे ये भी पता है कि सुहानी का होने वाला बच्चा सैमी का है। सैमी ने बता दिया था मुझे कि कितना प्यार करता है वो उससे। तो क्या करूं? मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मैं उससे प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करना चाहती हूँ। बच्चा लिसन टू मी, सब कुछ जानते हुए सैमी से शादी क्यों करना चाहती? What is wrong with you? ना सुनने की आदत नहीं है मुझे। ऐसी कोई चीज नहीं है आज तक जो पापा ने मुझे ना दिलाई हो, चाहे वो कार हो, रिंग हो या फिर कुछ भी और। पापा ने किसी चीज के लिए मना नहीं किया मुझसे। किसी चीज के लिए मना नहीं किया, बट सैमी कोई चीज नहीं है। पीहू, he is a human being. उसकी फीलिंग्स है, दिल है, पसंद ना पसंद है। बेबी, why don't you understand all this? Why can't you understand, माँ? कि आपकी बेटी किसी से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ना पीहू, प्रॉब्लम है प्रिंसेस, और प्रॉब्लम ये है कि मेरी बेटी तो उस लड़के से प्यार करती है, लेकिन वो लड़का मेरी बेटी से प्यार नहीं करता। किसी को प्यार करने में बुराई नहीं है, बट पीहू, ये जानते हुए कि वो प्यार तेरा होकर भी कभी तेरा नहीं होगा, Why do you want to get into such a situation? Let go. You just let go. Why let go, ma'am? क्योंकि वो सुहानी आपकी फेवरेट है इसलिए? नहीं, क्योंकि तू मेरी फेवरेट, you're my favorite child. और मैं तुझे हर्ट नहीं देख सकती, इसीलिए कह रही हूँ। देख पीहू, तू अभी सिचुएशन के अंदर है ना, इसलिए तू बाहर से देख नहीं पा रही। मैं देख पा रही हूँ, इसलिए तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सैमी तुझसे प्यार करता है, इसलिए तुझसे शादी नहीं कर रहा है। वो सुहानी से बदला लेना चाहता है, इसलिए तुझसे शादी कर रहा है। वो अभी गुस्से में, लेकिन कल जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, और उसे रियलाइज होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, तो वो तुझे छोड़ देगा। पीहू, तुझे पता है उससे क्या होगा? तेरी, सुहानी की, सैमी की, उस बच्चे की, और तुम सबसे जुड़ी हुई हर किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सब कुछ खत्म हो जाएगा पीहू, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ क्यों खत्म हो जाएगा? मस आप ये सोचो ना कि ऐसा भी तो हो सकता है कि सैमी मेरे साथ खुश रहे, अपना पास भूल जाए, सुहानी को भूल जाए, और हम दोनों साथ में खुश रहे। लेकिन नहीं, आप तो अपनी इमेजिनेशन में भी मुझे खुश नहीं देख सकती। आप एक्चुअली मुझे खुश देखना ही नहीं चाहते हो। मैं तुझे खुश नहीं देखना चाहती पीहू। तू पागल हो गई है क्या? दुनिया में सबकी खुशी से ऊपर मैंने तेरी खुशी रखी, और तू कह रही कि मैं तुझे खुश नहीं देखना चाहती? पीहू, मैं ही सब इसलिए कह रही हूँ कि ये सारी गलती होते हुए मैं एक बार देख चुकी हूँ। ये ऑब्सेशन, ये पागलपन, नताशा ने यही सब किया था कार्तिक से शादी के टाइम पे। एंड यू नो व्हाट, सब कुछ खत्म हो गया। लुक एट देम, वो अलग हो चुके हैं। उनका रिलेशनशिप अलग था माँ, और मेरा और सैमी का रिलेशनशिप अलग है। हम दोनों बचपन से साथ में, आप जानते हो ना ये बात। पीहो, बचपन की दोस्ती और प्यार में फर्क होता है बेटा, तू इस फर्क को क्यों नहीं समझ रही है? Why don't you understand कि तेरे पापा और मैं जो कर रहे हैं उसमें तेरी भलाई है। मत कीजिए मेरी भलाई, अपने पास क्यों नहीं रखते आप अपनी भलाई? देखा था मैंने वरुण के टाइम पे आपने क्या भलाई की थी मेरी। अब वही नाटक आप सैमी के केस में भी कर रहे हैं।
खुद तो आप मिडिल क्लास फैमिली से आई हैं, इसलिए आपकी सोच भी वैसी है। थैंक गॉड कि इस घर में पापा के डिसीजंस माने जाते, वरना आप और आपकी दो कौड़ी की सोच आप भी हो। मार दीजिए ना, रुक क्यों गई, मार दीजिए। यही तो आता है आपको, यही करते हैं आप आज तक। लेकिन एक बात याद रखिए, इस थप्पड़ का जवाब पापा देंगे आपको। और कैसे ये आप देखिए। What happened? Can't you see this, Papa? This is all a plan. वो सुहानी सब कुछ जान पूछ के कर रही है, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? पहले उसने सैमी के साथ प्यार का नाटक किया और फिर उसने खुश को फंसाया क्योंकि उसने देखा खुश ज्यादा पैसे वाले। और अब ये प्रेग्नेंट होना, ये खुश का बच्चा है पापा। उसने सोचा इस बच्चे को यूज करके वो खुश के साथ शादी कर लेगी, लेकिन जब खुश ने मना कर दिया तो उसने फिर से सैमी को फंसा लिया। सैमी इनोसेंट है पापा, और आपको अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना तो आप जूही माँ से पूछ लीजिए। जूही माँ ने खुद कितनी बार खुश और सुहानी को इतना क्लोज देखा है। मैं उन्हें बुलाती हूँ, आप उनसे पूछ के। जूही माँ, जूही माँ, जूही माँ, प्लीज पापा को बताइए सच के, प्लीज उन्हें बताइए, बताइए इन्होंने सुहानी और खुश के बारे में। पीहू जो कह रही है वो बिल्कुल सच है। मैंने कई बार उन लोगों को साथ में देखा है, इनफैक्ट बहुत क्लोज देखा है, और इसी वजह से तो प्रिया को लगा कि उन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। हाँ मैंने देखा, और मुझे ऐसा लगा कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इनफैक्ट मैंने दोनों से बात भी की, लेकिन मिस्टर कपूर सच्चाई कुछ और ही है। और सच्चाई ये है मिस्टर कपूर कि सैमी और सुहानी एक दूसरे से प्यार करते हैं। पीहू का प्यार एक तरफा है, लेकिन फिर भी सुहानी हमारी इज्जत करती है और वो पीहू के प्यार की कद्र करती है, इसलिए वो अपना प्यार सैक्रिफाइस कर रही है पीहू के लिए। नो माँ, ये झूठ है। सुहानी कुछ भी कहानियां बना रही है और आप मान रहे हो उसकी बात को। हाय माँ, व्हाई यू डूइंग दिस टू मी? अब इतने अंधे हो गए उसके प्यार में कि आपको अपनी बेटी गलत लग रही है। वो सुहानी, शी इज अ कैरेक्टरलेस गर्ल। इनफ पीहू, मैं तुझे समझा समझा के हार गया, लेकिन तेरी समझ में ही नहीं आ रहा है। सैमी तुझसे प्यार नहीं करता है, लेकिन इस पागलपन में तू इतनी अंधी हो गई है ना कि तुझे ये सच दिखाई नहीं दे रहा। What has happened to you, प्रिया? तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? I mean, ये तुम्हारी पीहू है यार। जूही प्लीज, मैं पीहू से बात कर रही हूँ, तुम बीच में मत बोल। मुझे पता है मैं किसके साथ क्या कर रही हूँ। No, you don't. You're killing me, माँ. वो सुहानी मेरा सैमी मुझसे छीन रही है और अब उसका साथ दे रहे हो। You're doing wrong, ma. बस पीहू बस, जो तू करने जा रही है ना उससे सिर्फ तेरा ही नुकसान हो रहा है, लेकिन तू इस वक्त होश में नहीं है इसलिए। हाँ मैं होश में नहीं हूँ, मैं ही बहुत बुरी हूँ और हमेशा मेरी ही गलती होती है, और हर बार आपकी वो सुहानी सही होती है, वही आपकी बेटी है, मैं नहीं। पीहू लिस्ट, बस करो प्रिया, जो ही तुम पीहू को लेकर जाओ, उसका ख्याल रखो। चल पीहू। पीहू, I just hope कि वो गुस्से में और कुछ ना कर बैठे। I'm really scared. नहीं, कुछ नहीं करेगी ऐसा। पीहू, पीहू, no, no! भाई, huh?
इतना टेंशन ले रहे हो, पीहू मिल जाएगी, आखिर वो भी तो एक कपूर है एंड ये कपूर्स आर बॉर्न स्टबर्न, सो भाई लेट्स गो एंड फाइंड भाई। ठीक है बेटा, अगर वो तुम्हें फोन करे या वहां आए ना तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना, ओके? सोनिया के यहाँ भी नहीं, बेसमेंट में भी नहीं, समझ में नहीं आ रहा कहाँ होगी। ओ पीहू जी, नहीं कुछ पता चला? नहीं, वो रूम में भी नहीं है। भाई वो मैंने आउट हाउस चेक किया, पीहू वहां भी नहीं है। मैंने भी सब जगह ढूंढ लिया, मुझे पीहू कहीं नहीं दिखाई दे रही। आई एम जस्ट वेरी स्कैर्ड यार। क्या मैं तुम्हें जा का सकती? आई डोंट नो, आई एम गेटिंग वरीड नाउ। पता नहीं ये लड़की ना, मॉम पीहू दी वो गुस्से से टेरेस की तरफ चली गई। वी हैव टू डू समथिंग मॉम, वी हैव टू गो। व्हाट? ओ माय गॉड, चली। आज पीहू वही गलती कर रही है जो मैंने 20 साल पहले की थी। Oh God, Pihu, what are you doing? Pihu, aisa kuch mat karo, please. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.